सो ही गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिव वाद में। मैं आज हम लोग माइनक्राफ्ट 1.20 में एक इजीएस्ट एंडरमैन एक्सपी फार्म बनाना सीखने वाले हैं। देन गाइस, हो सकता है कि मैं कुछ ही वीडियो यहां पर 1.20 के फार्म में बनाऊं, बिकॉज गाइस यहां पर जो अभी लेटेस्ट 1.20 का अपडेट आया था 1.20.50, उसमें यहां पर हम लोग एक्सपेरिमेंट ऑन करके 1.21 भी खेल सकते हैं। तो हो सकता है कि 3-4 अपडेट बाद यहां पर हम लोगों का 1.21 भी लॉन्च हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग उसी चीज के बहुत सारे फार्म बनाएंगे एंड उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हुई है, तो उसको भी यहाँ पर हम लोग जरूर से ट्राई करेंगे। देन गाइस, आज का शाउट आउट इन लोगों को जाता है जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन में दिख रहे हैं। अगर तुम लोग भी शाउट आउट चाहते हो तो इस वीडियो में कमेंट करना, जिसका भी कमेंट मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट मिलेगा। बट वीडियो में जाने से पहले जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना एंड जो भी नया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस यार, आ गए हैं हम लोग अपने वर्ल्ड के अंदर एंड हम लोगों को एंडरमैन एक्सपी फार्म बनाने के लिए जो भी सामान लगेगा वो सब आप लोगों को वीडियो में पता चल ही जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को इस वाले फार्म को बनाने के लिए बेसिकली एंड में तो आना ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एंडरमैन जो है हमारे ये एंड में ही होते हैं। देन गाइस, उसके बाद आप लोगों को ड्रैगन को मार लेना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर मार लिया है। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को किसी भी साइड यहाँ पर कोने में आ जाना होगा, जैसे कि उधर साइड वाला ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। देन उसके बाद गाइस आप लोगों को इस साइड से यहाँ पर 128 लीव्स जो है आगे को चले जाना होगा, मतलब ये यहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेट जो है 105 है, तो मेरे को यहाँ पर लगभग 233 या 234 मतलब कोऑर्डिनेट्स तक आगे जाना होगा। मैं इसको यहाँ पर फटाफट से बिल्ड कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पर आ गया हूँ 128 ब्लॉक दूर उस वाले सरफेस से। देन गाइस, उसके बाद आप लोगों को ब्लॉक ले लेना है। देन यहाँ पर आप लोगों को 9x9 का एक एरिया बना लेना होगा। तो गाइस बेसिकली आप लोग कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर आयरन का ब्लॉक लिया है क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा मतलब अमीर आदमी तो बेसिकली मैंने आप जैसे ये वाला जो ब्लॉक है ये एक हो गया, तो इधर से मैंने 4 कर दिए एंड इधर को 4 कर दूंगा तो 9 हो जाएंगे। एंड उसके बाद इस वाले जो यहाँ पर हमारा ब्लॉक होंगे उसको एक गिनते हुए आगे को 8 खींच लूंगा, तो यहाँ पर 9x8 का एरिया मतलब हो जाएगा। देन उसको यहाँ पर मैं पूरे को मिला लूंगा। देन गाइस, उसके बाद आप लोगों को इधर साइड को एक एक ब्लॉक आगे को एक्सटेंड करना है कुछ इस टाइप से। देन उसके बाद आप लोग चेस्ट ले लोगे एंड इधर पे आप लोगों को डबल चेस्ट इस टाइप से प्लेस करनी है, इससे कनेक्ट करते हुए आप लोगों को यहाँ पर 9 हॉपर लगा लेना है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेंटर में 9 हॉपर इससे कनेक्ट करते हुए लगा लिए हैं। देन अब जो बाकी जगह छूट रही है यहाँ पर आप लोगों को सिंपली ब्लॉक्स लगा लेने हैं। देन गाइज उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर साइड में आ जाना है। देन उसके बाद 1, 2, 3 ब्लॉक अब जाने हैं एंड नीचे की जो टेम्परेली आपने लगाया इसको तोड़ देना है। एंड उसके बाद आप लोगों को इसके आउटसाइड यहाँ पर ब्लॉक्स लगा लेने हैं, जहां तक हमारी ये जो ये वाला ब्लॉक नहीं यहाँ पर, तब हम लोगों को यहाँ पर ऊपर भी ब्लॉक्स लगा लेने हैं। तो गाइस देख सकते हैं मैंने इसकी ऊपर की सरफेस भी बना ली। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर कारपेट ले लेना होगा एंड फिर आप लोगों को जो ये दो ब्लॉक है यहाँ पर आप लोगों को दो दो की हाइट में कारपेट लगाना है। देन ये वाला जो ब्लॉक है इसको यहाँ पर अभी छोड़ देना होगा। तो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डबल कारपेट भी लगा दिए हैं। देन उसके बाद गाइस आप लोगों को वापस से ब्लॉक ले लेना है। देन फिर आप लोगों को यहाँ पर से 1, 2 एंड 3 टेम्परेली ब्लॉक अब जाना है, नीचे के दो ब्लॉक आप लोग तोड़ दोगे। देन उसके बाद गाइस आप लोगों को जो जितना ये वाला एरिया है उतना यहाँ पर ये वाला ब्लॉक भी बना लेना है, मतलब इसका यहाँ पर आउटसाइड बना लेना है। तो गाइज देख सकते हैं मैंने ये वाला प्लेटफॉर्म बना लिया है। देन उसके बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ब्लॉक करना है, नीचे के दो ब्लॉक आप लोग तोड़ोगे। देन ऐसे ही सेम आप लोगों को ऊपर भी बनाना है एंड ऐसे यहाँ पर 13 बना लेने होंगे, जैसे ये एक हो गया तो ऐसे ऊपर आप लोग यहाँ पर 12 बना लेने होंगे। तो मैं इसको फटाफट से बना लेता हूँ। तो गाइज मुझसे एक बहुत बड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई कि मेरा यहाँ पर वीडियो का जो स्टॉप बटन है मैंने यहाँ पर दबाया था, देन उसके बाद मैं उसको ओपन करना भूल गया, जिस वजह से हमारे बीच की थोड़ी सी क्लिप जो है वो यहाँ पर गायब हो गई। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर 13 प्लेटफॉर्म बनाए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। देन उसके बाद गए जब मैंने 13 प्लेटफॉर्म बना लिए, फिर मैं जब ऊपर आके मैंने यहाँ पर एवरी साइड यहाँ पर 13-13 ब्लॉक दूर चली गया, मतलब चारों साइड। देन उसके बाद उन सबको मिला के मैंने यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है इसको यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब आगे तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर लिया है। देन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे एंडरमैन जो है वो पहले से आ गए हैं, बट अब हम लोगों को यहाँ पर जो है एंडरमाइंड को इस जगह पे यहाँ पर लेकर आना होगा, मतलब जो हवा में दिखा रहा हूँ इस सेंटर के बीच में, ताकि हमारे जो एंडरमैन है वो उसको देख के उसको मारने को आया। देन वो मारने जब आए तो यहाँ पर नीचे गिर जाए। बेसिकली मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ट्रैप डोर्स ले लेने हैं, देन उसके बाद गाइस आप लोगों को इसके आउटसाइड यहाँ पर ट्रैप डोर्स लगा के खोल देने हैं। देन गाइस उसके बाद आप लोगों को इससे कनेक्ट करते हुए इसका बीच में टेम्परेली ब्लॉक लगाना है। देन इस ब्लॉक से आप लोगों को 1, 2 एंड 3 ब्लॉक अप आना है। देन फिर आप लोगों को यहाँ पर एक चेन लगा देनी है, लोगों को यहाँ पर कारपेट लगा देना होगा कुछ इस टाइप से। देन उसके बाद गाइस आप लोगों को इसके ऊपर एक ब्लॉक लगाना है, देन उसके आउटसाइड मतलब एक और ब्लॉक इधर पे लगाना है, देन इसके आउटसाइड यहाँ पर डबल डबल की यहाँ पर टेम्परेली ब्लॉक की वॉल लगा लेनी है।
देन गाइस उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, फिर आप लोगों को जो ये वाला एरिया इसको देख लेना है। देन फिर आप लोगों को इसके अपोजिट साइड मतलब इस साइड को यहाँ पर एक माइन कार्ड लगानी होगी, समथिंग लाइक दिस। देन उसके बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पर एंडर पल से एंडर माइंड को स्पॉन कराना है। देन फिर उसको यहाँ पर पटरी में बिठाओगे, फिर उसके बाद आप लोगों को इस साइड को धकेल देना होगा, उससे पहले उसको नाम भी दे देना होगा। तो ये सारा जो भी मतलब कार्यक्रम है इसको मैं यहाँ पर फटाफट से कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो एंडर माइट है वो यहाँ पर स्पॉन हो गया है। तो फटाफट से मैं इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ ताकि ये डिस्पॉन ना हो सके। फिर गाइस आप लोगों को यहाँ पर माइन कार्ड लगा लेनी है, अब उधर जाना थोड़ा सा इस टाइप से। देन इसको इस टाइप से यहाँ पर बिठा लेना है, जो कि हमारा जस्ट ये जो बीच वाला सेंटर है इसके जस्ट नीचे आ गया है। फिर आप लोगों को ये वाली माइन कार्ड तोड़ देनी होगी, देन आउटसाइड के यहाँ पर ब्लॉक भी रिमूव कर देने हैं। देन गाइस फिर आप लोगों को इसके नीचे का भी ब्लॉक यहाँ पर इस टाइप से तोड़ लेना होगा। फिर आप लोगों को यहाँ पर से दो टेम्परेरी ब्लॉक इस टाइप से अप जाना है, मतलब इस टाइप से करना है। देन इसके ऊपर आप लोगों को एक कारपेट लगा देनी होगी ताकि माइन कार्ड इधर उधर ना हिले। फिर आप लोगों को इसको यहाँ पर रिमूव कर देना होगा। एंड इसके नीचे की जो चेन के नीचे की ब्लॉक है इसको भी यहाँ पर आप लोग रिमूव कर दोगे। तो गाइस अब हमारा जो ये वाला फार्म है ये यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इस वाले एंडरमैन को देख के जैसे एंडरमैन इधर आएंगे वो सीधे यहाँ पर से नीचे चले जाएंगे एंड नीचे हम लोग को वहाँ पर मिल जाएंगे एंड उनको हम लोग वन हिट मतलब हाथ से यहाँ पर मार सकते हैं। दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये देखो मैंने यहाँ पर इसको हाथ से मारा और ये मर गया। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को इसके ऊपर कारपेट या स्लैब लगा देने होंगे ताकि यहाँ पर हमारे मतलब जो एक्सपी वगैरह है वो हॉपर के अंदर ना जाए, वो हम लोगों को डायरेक्ट मिल जाए। तो गाइस अब बारी एफ के करने की। एंड अगर तुम लोग चाहते हो तो इसके आउटसाइड यहाँ पर लीव्स या ब्लॉक्स लगा सकते हो ताकि तुम लोग गलती से भी यहाँ पर नीचे ना गिरो। मैं यहाँ पर फटाफट से सर्वाइवल में आ जाता हूँ। देन उसके बाद हम लोग इनको मारेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि हम लोगों को किस टाइप से यहाँ पर एक्सपी वगैरह कलेक्ट करके देता है। तो गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ पर सर्वाइवल में भी आ गया हूँ एंड मैंने यहाँ पर अपने हाथ में लूटिंग की स्वॉर्ड ले ली है ताकि मेरे को जो भी सामान वगैरह वो ज्यादा मिले। एंड यहाँ पर तुम लोग मेरी एक्सपी भी देख सकते हो, अभी एक भी यहाँ पर फुल नहीं हुई है। यहाँ पर मैं इनको फटाफट से मारता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर अभी भी आए जा रहे हैं एंड फर्स्ट ही बार में इसने मेरे को 4 एक्सपी दे दी है, मतलब एक्सपी के लिए बहुत ज्यादा सही है। एंड तुम लोग एंडर पल भी देख सकते हो, मैंने लूटिंग वाली शॉट से मारी तो ये एक स्टैक से ऊपर हो गई। एंड यहाँ पर अभी मैंने कोई भी ऐसा हार्ड मोड नहीं कर रखा है। अगर आप लोग हार्ड मोड करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर ये और भी ज्यादा अच्छे से और भी ज्यादा यहाँ पर एंडरमैन जो है स्पॉन करके देगा। देन ये फार्म जो है आप लोगों का और भी ज्यादा बढ़िया यहाँ पर वर्क करेगा। तो गाइस तुम लोग मेरे को कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये वाला फार्म कैसा लगा। गाइज यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड गाइज तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से फॉलो कर दो यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।